एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग देयर स्टडी प्रॉपरली. ओके स्टूडेंट, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक एंड दैट वन इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. दिस टॉपिक इज रियली वेरी न्यू फॉर यू बिकॉज दिस टॉपिक यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल इन योर क्लास 10th, 9th और एनीवेयर. इवन यू आर स्टडिंग दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक एंड क्लियर आर ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स. Okay, so student, as we have studied earlier, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम होता है. ओके, सो इट मीन्स दैट लाइट, सम रेडिएशंस आर देयर विच कैन बिहेव एज अ वेव नेचर. ठीक है, वो हमने पढ़ चुके हैं. उसके बाद में पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा, हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो भी हमने सब स्टडी किया है. अब जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है लाइन स्पेक्ट्रा. लाइन स्पेक्ट्रा समझने के लिए हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, अभी मैं आपको समझाती हूं. जैसे कंसीडर करो कि हमारे पास में एक व्हाइट लाइट है. क्या है हमारे पास? व्हाइट लाइट है. इस व्हाइट लाइट कहीं किसी भी सोर्स से निकली हुई रह सकती है. किसी भी सोर्स से मतलब जैसे कि हॉट ग्लोइंग बल्ब से हो सकती है, या सिंपल सनलाइट हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क से निकली हुई सकती है. तो हमने एक व्हाइट लाइट ली और इस व्हाइट लाइट को हमने पास किया है प्रिज्म के ऊपर. हमने क्या किया, इस व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म के ऊपर और यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा दी. और वो स्क्रीन क्यों लगाई? ताकि ये जो रेडिएशन इसमें से निकल रहे हैं वो हम ऑब्जर्व कर सके कि स्क्रीन पे हमें किस तरीके से वो ऑब्जर्व हो रहे हैं. तो जैसे ही आपने इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर पास किया तो हमने क्या देखा, ये जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो गई है इंटू 7 बैंड्स ऑफ कलर्स. ठीक है, ये आप क्लास 10th फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से जो है ये लाइट स्प्लिट हो गई है. और इसी स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम जब हम क्लास 10th में पढ़ते हैं तो हम इसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं. तो ये जब हमें लाइट मिली, सो स्टूडेंट हमें ये लाइट कौन से फॉर्म में मिलती है? हमें ये जो लाइट मिलती है ये हमें इस फॉर्म में मिलती है, दैट इज विबग्योर फॉर्म में. ओके, और जब आप ये देखोगे कि जैसे हमने क्या कहा, हमने व्हाइट लाइट को हमने किसके थ्रू पास किया, प्रिज्म के थ्रू पास किया, और यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूस बैंड मिला. हमें यहाँ, मैं स्क्रीन यहाँ लिख लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में. फिर हमें क्या मिला है, ये कंटिन्यूस बैंड मिला है. कंटिन्यूस बैंड मिला और इस कंटिन्यूस फॉर्म में ये कंटिन्यूस हमें मिला. कंटिन्यूस में इसको क्यों कह रही हूँ बार बार, बिकॉज जो व्हाइट वायलेट कलर जो है, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ये सभी क्या है, एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज्यादा मर्ज हो गए हैं. ओके, सो हम सेपरेट नहीं कह सकते कि भाई वायलेट के डिफरेंट लाइट है, इंडिगो का डिफरेंट, नहीं. ये सब एक दूसरे के साथ में क्या है, वो मर्ज हो चुके हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूस. क्या कहते हैं हम इसको? कंटिन्यूस कहते हैं. ओके, सो ये कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ये, जो है ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. और अगर आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पे जाए तो वहां पर हम देख सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ है वो अप्रॉक्स आती है आपको 4000 एमस्ट्रॉन्ग टू 8000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में. तो जितनी भी लाइट्स है इन सभी लाइट्स की वेवलेंथ किस किस के बीच में होगी? 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 8000 एमस्ट्रॉन्ग के बीच में इसकी वेवलेंथ होगी. हो सकता है कि 4001 हो, 4002 हो, 4003 हो, या फिर 5006. सो जितनी भी वेवलेंथ इन दोनों के बीच में आती है वो इन सभी लाइट्स में दिखती है और इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. मतलब ये कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं है. मैं किस बारे में बता रही हूँ अभी आपको? आपको जो मैं बता रही हूँ ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई जब हमने व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म के थ्रू तो हमें एक कंटिन्यूस बैंड मिला है जिसका कलर जो है आप आराम से देख सकते हैं. और हमने हमें पता है कि विब्योर जब एक साथ मर्ज रहती है तब उसका कलर कैसे रहता है. तो ये कौन सा स्पेक्ट्रा हुआ? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हुआ. तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, मैं यहाँ पर एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि भाई किसी भी स्पेक्ट्रा को आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. किसी भी स्पेक्ट्रा जो है इसको आप टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट जो रहता है वो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा और सेकंड जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा.
कौन कौन सा इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अब इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखो इमिशन स्पेक्ट्रा के भी टू टाइप्स होते हैं. एक होता है कंटिन्यूस और सेकेंड जो होता है लाइन स्पेक्ट्रा, जिसे हम डिसकंटिन्यूस भी कह सकते हैं, डिसकंटिन्यूस कह सकते हैं. ओके, ये तो डिफरेंट ही होता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो यहां पर ये जो स्पेक्ट्रम हमने देखा, ये कौन सा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है. तो इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं. और अभी जो हमें स्टडी करना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो किसके लिए होता है, ये डिसकंटिन्यूस या फिर लाइन स्पेक्ट्रम के लिए होता है. ठीक है, तो अभी हमने ये व्हाइट लाइट सनलाइट से भी हो सकती है या फिर किसी भी ग्लोइंग बल्ब से भी हम ले सकते. तो ये हुआ है आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. इट मीन्स कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हमने क्या स्टडी किया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हमने ये दिया देखा है कि वहां पर हमें कलर्स ऑफ एक ऐसे बैंड्स मिलते हैं जिसमें क्या है, पूरे कलर जो है एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मर्ज हो चुके हैं. अब हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा. अभी हम देखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा किस तरीके से मिलता है. अब हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, कंसिडर दैट एक कंटेनर. इस कंटेनर में हमने एक गैस ले ली है, ठीक है, एक हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने गैस ले ली. अब इस गैस को आपने हीट कर दिया, क्या किया हमने, हीट किया है हमने इसको बंसन बर्नर के ऊपर, बंसन बर्नर फ्लेम पे जो है, आप ये लेबोरेटरी में हम बंसन बर्नर फ्लेम देख सकते हैं. इस बंसन बर्नर फ्लेम के ऊपर मैंने इसको हीट किया. अब इसको हीट करने के बाद में इसमें से कुछ रेडिएशंस निकली, ठीक है, इसमें से जब रेडिएशंस निकली वो भी एक, अब हमने क्या किया, देखो जैसे हमने इसको हीट करा और देखो, या फिर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने इसको व्हाइट लाइट इसके अंदर पास करी और इसको जो है हमने इसको हीट करा, और हीट करने के बाद में इसमें से जो रेडिएशंस निकली उन रेडिएशंस को हमने जो है यहाँ पर क्या किया है, प्रिज्म के ऊपर पास किया. और फिर हमने साइड में एक और स्क्रीन लगा दी है, और स्क्रीन लगाने के बाद में हमने ये ऑब्जर्व किया कि भाई हमने देखा कि चलो देखते हैं कि पहले जैसा कंटिन्यूस बैंड मिल रहा है या फिर नहीं. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम इसके पास इस प्रिज्म से हमने इस रेडिएशन को प्रिज्म के ऊपर जब आने दिया, तब हमने देखा कि इस पे के ऊपर हमें सिर्फ जो है यहां पर हमें क्या दिखा, यहां पर हमें सिर्फ दो लाइंस अपीयर हुई. हमें क्या हुआ, सिर्फ दो लाइंस अपीयर हुई. जैसे अगर मैं ये इस पे देखूं, या दो लाइंस, या फिर हमें एक सिर्फ ऐसी कुछ डार्क लाइंस जो है बीच बीच में जो है ये अपीयर होना स्टार्ट हुई. और इसको तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस नहीं है. क्यों कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है एक एक लाइन जो है, या फिर बीच बीच में हमें लाइंस अपीयर हुई, और इसीलिए इसी स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम. इसे हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं. और ये जैसे कि कंटिन्यूस नहीं है, और इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है. एक बार फिर से समझते हैं इस चीज को कि ये कैसे एक्सप्लेन किया गया है. तो देखो हमने क्या किया है, पहले तो हमने एक कंटेनर में गैस ले ली है. इस कंटेनर वाले गैस को हमने क्या किया है, हीट किया है. ओके, और जब आप इसको हीट कर रहे हो तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकल रही है, और जो रेडिएशंस निकली वो उसको हमने प्रिज्म से पास किया. जैसे आप इसको प्रिज्म के से पास करते हो और एक स्क्रीन पे जब हमने इसको देखा, तो हमें क्या दिखा, पहले हमें पहले वाले इसमें क्या देखा था, जब हमने उसको हीट नहीं किया था तो हमने ये देखा था कि भाई उसमें पूरा कंटिन्यूस बैंड मिल रहा था, पर यहां पर हमें कंटिन्यूस बैंड नहीं मिला, यहां पर हमें सिर्फ एक या दो जो है लाइंस मिली, दो या कभी कभी तीन भी लाइंस मिल सकती है. वो डिपेंड करता है कि हमने यहां पर कौन सी गैस ली थी, या फिर कौन सा सब्सटेंस लिया था, ठीक है, कौन सा सब्सटेंस लिया था, कौन सी गैस ली थी, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि यहां पर कौन सी लाइंस मिलने वाली है, ठीक है. तो यहां पर इस तरीके से हमें ये लाइन स्पेक्ट्रम मिला, और इसी लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा. इसी लाइन स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा. और ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और सभी एलिमेंट्स का अपना जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब आप हम देखते हैं, तब ये सभी डिफरेंट होता है. और इसीलिए जो है लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को उस पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट का फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है,
उसको फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि भाई ये अगर हमें उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बाद में ये लाइंस दिखी तो हम कह सकते हैं कि भाई ये लाइंस दिखी मतलब ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर एलिमेंट होगा। ओके सो जब हमने ये देखा कि भाई इस तरीके से डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, फिर हमने उसको कहा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। तो जैसे हमने कहा कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमें मिल सकता है और साथ में लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी हमें यहाँ पर मिल सकता है। आई होप स्टूडेंट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग सम इमेजेस। सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज दिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो सबसे ज्यादा अगर आप देखा जाए तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें या फिर आप नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बट हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी स्टडी करना है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है देखो, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ये होता है कि आपने क्या किया, सिंपल सा जो है हमने यहां से हमने ये देखा, हमने फिर से हम एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, एक गैस लिया। अब इस गैस को हमने हीट नहीं किया, पहले हमने क्या किया था, हीट किया था, अभी जो है हमने इसको हीट नहीं किया। अब आपने हीट नहीं किया और हमने इसमें क्या किया है, व्हाइट लाइट को जो है पास ऑन कर दिया। अब व्हाइट लाइट इसमें से पास ऑन हुआ, फिर इसमें से भी निकलेगा बाहर। जैसे ही ये व्हाइट लाइट इस सब्सटेंस में से बाहर निकला, तब हमने इसको पास किया है किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। एंड प्रिज्म के ऊपर पास करने के बाद फिर से हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई और स्क्रीन लगाने के बाद में हमने यहाँ पर देखा कि ये लाइट किस तरीके से जो है यहाँ पर डिविएट हो रही है। और जो हमें यहाँ इम्प्रेशन मिले, उस इम्प्रेशन में हमने ये देखा कि यहाँ पर जो हमें स्पेक्ट्रम मिला, इस स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन्स जो थी वो मिसिंग थी। कुछ लाइंस कैसे थी, मिसिंग थी, मतलब जैसे देखो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में विबग्योर का एक बैंड मिला था, तो विबग्योर के बैंड में कुछ कुछ वेवलेंथ की लाइट जो थी वो क्या थी, मिसिंग थी। और इसीलिए यहां पर जो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हमें क्या मिलता है, हमें यहां पर डार्क लाइंस मिलती, यहां पर हमें क्या मिलता है, डार्क लाइंस मिलती है। और ये डार्क लाइंस हमें क्यों मिली, वो इसीलिए मिली है क्योंकि हमने ये देखा कि भाई यहां पर जैसे हमने इस लाइट को यहां पर एब्जॉर्ब होने दिया, तो ये जैसे ही हमने इसको यहां एब्जॉर्ब होने दिया तो उसने कुछ वेवलेंथ की लाइट जो है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, उसने नहीं रेडिएट होने दी बाहर। और जैसे उसने एब्जॉर्ब कर ली और हमने उसको प्रिज्म के ऊपर से भेजा या प्रिज्म के से पास होते हुए, तो हमें वो पर्टिकुलर लाइंस जो है उस लाइंस के सामने हमें डार्क कलर की बैंड्स दिखी। और स्टूडेंट जब आप कंपेयर करोगे इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, तो आप देखोगे कि इमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइन जो थी, जहां पर इमिशन स्पेक्ट्रा में हमने सिर्फ वो लाइंस देखी थी, वहां पर और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो लाइंस दिख रही थी, तो वही लाइंस जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या दिखती है, हमें मिसिंग दिखती है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऐसे स्पेक्ट्रा होता है जिसमें से उस वेवलेंथ की लाइट जो है, यहाँ जो भी आपने सब्सटेंस लिख रखा हुआ है वो सब्सटेंस क्या करेगा, उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये हुआ आपका इमिशन स्पेक्ट्रा एज वेल एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नाउ जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एक इमिशन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो ये कैसा है, एक इमिशन स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो इसमें भी हमने क्या देखा, अभी हम फिर से वही कहेंगे कि भाई हमने व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट को हमने अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से निकली हुई व्हाइट लाइट को हमने प्रिज्म के ऊपर किया और फिर हमने यहाँ स्क्रीन पे देखा कि उसके कौन कौन से कलर्स मिल रहे हैं। अब जब हमने हाइड्रोजन के बारे में इसके लिए स्टडी किया तो हमने क्या देखा, देखो हाइड्रोजन का जब हमने स्पेक्ट्रम देखा तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इस तरीके से हमें काफी सारी लाइंस मिली, ठीक है, जो उसमें से कुछ लाइन क्या थी, ब्राइट लाइंस थी और कुछ जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइट लाइंस थी। आपको मैं यहाँ पर जो है एक इमेज आपको दिख रही होगी जिसको हम देखकर ध्यान से समझ सकते हैं कि ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमें लाइंस जो है वो हमें किस तरीके से मिली है। तो इसको जब आप प्रॉपरली स्टडी करते हो तो हम ये देखते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल हो गया है इसके, इसका
और जब हम इसको देखते हैं कि ये क्या, ये आ गया इसका थर्ड शेल आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जब वो उसको सनलाइट जब पास हो रही है, देखो आप क्या कर रहे हो, इसको सनलाइट दे रहे हो या लाइट दे रहे हो, व्हाइट लाइट दे रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से यहाँ पर जंप कर सकता है, यहाँ से फर्स्ट, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये हम, ये देखो ये है आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखा देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, अगर और शेल हो तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से उसके ऊपर भी जंप कर सकता है। तो ये जो इस तरीके से जो स्पेक्ट्रल लाइन्स मिली, अभी हम यहाँ दिखा देते हैं कि वो स्पेक्ट्रल लाइन कौन कौन सी थी, तो हमें थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा वो। तो अगर हम कहें ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का हमने क्या देखा कि भाई हाइड्रोजन ने, आपने इसको, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी बाय पासिंग द व्हाइट लाइट, और जैसे भी आपने इसको एनर्जी दी, ये जंप किया इसने यहाँ से लेके फर्स्ट शेल में, जैसे इसने फर्स्ट शेल में जंप किया है, और हमें पता है कि भाई ये जो है, जब ये जंप करता है, सो इमिशन स्पेक्ट्रा कब पॉसिबल है, जब वो इमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी पॉसिबल ओनली इन द एक्साइटेड स्टेट, जब आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो जैसे ही आपने इसको एनर्जी दे दी है, तो ये जब एनर्जी दी उस आपने उसको, तो ये फर्स्ट शेल में गया, तो वहां से वापस भी तो आएगा, और जब वो वापस आता है तब वो कौन से रेडिएशन करता है, अगर वो विजिबल रेडिएशन दिखाता है तो वो हमें यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। तो हमने कहा कि भाई ये फर्स्ट शेल पे गया था और वहीं से ये वापस आ गया, फिर यहाँ पर भी गया था, ये यहाँ से वापस आ गया, यहाँ से गया था, यहाँ पर वापस आ गया, इस तरीके से जो है यहाँ पर वो वापस आ सकता है, ठीक है। तो हमें जो ऑब्जर्व हुआ है इस, हमें, हम इसको क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन्स का हमने ये देखा, हाइड्रोजन में स्पेशली ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुए हैं, ये स्पेक्ट्रम जो होते हैं, ये होते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। जो फर्स्ट सीरीज जो हमें दिखी थी वो थी लाइमन सीरीज, कौन सी सीरीज थी, लाइमन सीरीज, और सेकेंड जो थी इसे हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, क्या कहते हैं इसको, हम बाल्मर सीरीज कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी सीरीज देखते हैं, तो यहाँ से जब वो थर्ड पे रिटर्न होता है, तो इस तरीके से जो सीरीज बनती है उसे कहते हैं हम, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, देन वी कैन से इट फॉर फोर्थ ऑल्सो, एंड देन वी कैन से इट इज फॉर फिफ्थ, और एक ये हमने ये दिया, ये क्या हो गया, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक हम ये एक लाइन और ड्रॉ कर सकते हैं, जो क्या हो सकता है, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इस तरीके से हम ड्रॉ इसमें कर सकते हैं। और क्या हुआ कि यहाँ पर जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट लाइंस जो है ये इस तरीके से बनाई हैं, ठीक है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, इसे हम क्या कहते हैं, पाश्चन सीरीज, और नेक्स्ट जो होती है ये होती है ब्रैकेट सीरीज, ये क्या होती है, ब्रैकेट सीरीज। आप यहाँ पर इस इमेज में जो है प्रॉपरली सभी सीरीज आप देख सकते हैं, और ब्रैकेट्स के बाद में आती है फंड्स सीरीज। सो फंड्स सीरीज ये डिफरेंट सीरीज जो है, जिसमें से विजिबल रेंज में कौन सी आती है, बाल्मर्स सीरीज आती है, और इन सभी सीरीज का जो हम फॉर्मूला, या जो हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं कि भाई इन सभी रेडिएशंस की क्या क्या वेवलेंथ होती है, वो वेवलेंथ हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडबर्ग्स फॉर्मूला। और रेडबर्ग्स फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है, वो हमने किसमें स्टडी किया है, हमने बोर्स मॉडल में हमने स्टडी किया है, ठीक है। सो रेडबर्ग्स फॉर्मूला क्या है, चलो अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि रेडबर्ग्स फॉर्मूला क्या होता है। अगर अभी हम देखें कि ये जो हमारे पास में डिफरेंट सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, इसमें हम देखते हैं कि भाई अगर आपको किसी का वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर जो है हम इन सभी सीरीज का निकाल सकते हैं, इसके लिए हम ये कहते हैं RH, RH स्टैंड्स फॉर रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और यहाँ पर आता है 1/N1² - 1/N2², ये इस फॉर्मूला को हम कह सकते हैं रेडबर्ग्स फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है हमारा रेडबर्ग्स फॉर्मूला। एंड स्टूडेंट, हमने बोर्ड्स मॉडल में जो है
आपने बोर्स मॉडल में रेडबॉक्स फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली जाती है। जैसे अगर लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में हम कैसे वैल्यूज लेते हैं, लाइमन सीरीज में फर्स्ट पे आता है इसलिए एन इज इक्वल टू वन आएगा, ठीक है। और एन एन टू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, टू थ्री फोर एंड सो ऑन। सिमिलरली हम बाल्मर सीरीज का जब देखते हैं तब हम देखते हैं कि ये क्या होता है, एन टू एन वन इज इक्वल टू क्या होगा, टू। एन वन इज इक्वल टू क्योंकि सेकेंड शेल में रिटर्न आता है, और एन एन टू इज इक्वल टू थ्री फोर एंड सो ऑन। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ दोस फॉर्मूला। और स्टूडेंट ये वेव नंबर का फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया है वो हम किसमें बोर्ड्स मॉडल में स्टडी कर चुके हैं। आप सभी को वहां जाके ये बोर्ड्स मॉडल का अच्छे से समझना है। और रेडबॉक्स कांस्टेंट जो है ये वैल्यू वहां पर भी हमने समझाई हुई है कि इस वैल्यू को बोर्ड्स के मॉडल के बेसिस पे हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है इसी को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कौन सा कॉन्सेप्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिमिटेशन था वो हमने स्टडी कर लिया, ब्लैक बॉडी लिमिटेशन था वो हमने स्टडी कर लिया, और ये होता है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और साथ में ही बोर्ड्स के जो लिमिटेशन है उसमें भी हमने कहीं ना कहीं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी किया है। सो स्टूडेंट आई होप सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड।